मीनू अपना घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी, क्योंकि थोड़े ही दिनों में वो अंडे देने वाली थी। उसे अपने अंडों को शिकारी पक्षियों से भी बचाकर रखना था। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां शिकारी पक्षियों की नजर उसके घोंसले पर ना पड़े। उठते उठते वो एक दरख्त पर जा बैठी। ये दरख्त तो बहुत ऊंचा है, अगर मैंने इस दरख्त पर अपना घोंसला बनाया तो शिकारी पक्षियों की नजर मेरे घोंसले पर बड़ी ही आसानी से पड़ जाएगी। मुझे अपने लिए कोई एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। फिर मीनू वहां से चली जाती है और अपने लिए कोई सुरक्षित जगह की तलाश करने लगती है। उड़ते उड़ते वो काफी आगे निकल जाती है। तभी उसे एक डाल पर बैठा मिट्ठू तोता मिलता है। तोते को देखकर मीनू उसके पास जाती है। मिट्ठू भैया, मुझे अपना घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए जहां शिकारी पक्षियों की नजर ना पड़े। क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपको किसी ऐसी जगह का पता है? हाँ हाँ चिड़िया, तुम थोड़े आगे जाओ, तुम्हें एक पहाड़ दिखेगा। तुम उस पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाना, वहाँ एक मक्के का खेत है, वो जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगी। वहाँ तुम्हारे बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। मीनू तोते का धन्यवाद करने के बाद वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद मीनू उस मक्की के खेत में पहुँच जाती है। ये जगह मेरा घोंसला बनाने के लिए सही रहेगी। रात होने वाली है, मैं कल ही अपना घोंसला बना लूंगी। रात मीनू उसी खेत में गुजारती है। अगली सुबह मीनू घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। वो अपनी मेहनत और लगन से अगले दिन अपना घोंसला बना लेती है। अब तो मेरा घोंसला पूरी तरह तैयार हो गया है, अब मुझे अपने बच्चों को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं और थोड़े दिनों बाद मीनू एक अंडा देती है। जिस खेत में मीनू ने अपना घोंसला बनाया था, उस खेत का मालिक कालू का हुआ था। कालू की पत्नी सुंदरी कालू से कहती है, कालू जी, आपको मक्की की फसल लगाए बहुत दिन हो गए, सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो। खेत पर जाओ और देखो हमारी मक्की की फसल कैसी उगी है। गौरी, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, तुमसे तो मेरा घर में रहना बर्दाश्त ही नहीं होता, जब देखो मुझे बातें सुनाती रहती हो। इतना कहकर कालू अपने खेत पर चला जाता है। फसल तो इस बार अच्छी उगी है, थोड़े ही दिनों में इस पर मक्की भी आ जाएगी। फसल देखने के बाद कालू अपने घर चला जाता है। अब चिड़िया के अंडे में से उसका बच्चा भी इस दुनिया में आ गया था। चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर उसके लिए दाना लेने जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया का बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था। एक दिन चिड़िया दाना लेने बाहर गई थी। पीछे से कालू और सुंदरी खेत पर आते हैं। कालू, फसल तो पूरी तरह पक गई है, अब हमें इसकी कटाई कर देनी चाहिए। क्यों ना हम कल ही मक्की को काट दें, इस समय बाजार में मक्की के दाम भी सही चल रहे हैं। हाँ सुंदरी, तुम सही कह रही हो, हम कल सुबह ही मक्की की कटाई करेंगे।
चिड़िया का छोटा बच्चा कालू और सुंदरी की सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो गया। थोड़ी देर में उसकी मम्मा भी आ जाती हैं। वो सारी बात मीनू को बताता है। कुकू, तुम फिकर मत करो, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम उड़ भी सकते हो। कल सुबह उनके खेत पर आने से पहले ही हम जहाँ से दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर उसी जंगल में रहेंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो गोरी और कालू के खेत पर आने से पहले ही चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है और फिर उसी जंगल में अपना घर बनाकर रहने लगती है।